तो दोस्तों आपका इस्तकबाल है भोपाल पिजन्स के अंदर, और आज भोपाल पिजन्स में हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे तीन नन्हे नन्हे दोस्तों से। लेकिन ख़ास बात यह है कि जो एक शुरुआत करी गई थी पिछले साल कि कोई भी कबूतर आए उसका वीडियो बना के ग्रुप में डाल दिया जाए, जिसका हो वो ले जाए, ठीक है दोस्तों। तो वो शुरुआत थी, पिछले साल दो तीन वीडियो डाले थे और इस बार भी दो वीडियो आए, दो कबूतर आए थे छत पे जो कि जिसके थे उनके बारे में बता दिया गया। तो उन्हीं का नतीजा है कि ये नन्हे नन्हे दोस्त हमें मिले। एक का नाम अंकित है, अंकित भाई, हाँ, ये अंकित भाई हैं, और ये विशाल भाई है ना, और ये हमारे सबसे छोटे राजा भाई। हाय। तो इन तीनों के पास कल हमारी कास्टी कबूतरी जो टूर्नामेंट के अंदर उड़ी थी, कल टूर्नामेंट में कबूतरी उड़ के आई थी और इनके पास वो आई, पकड़ी नहीं कहेंगे दोस्तों, पकड़ी नहीं इन्होंने, इनके पास अपने आप आई थी, अपने आप आई थी, उड़ के आई थी, उड़ के आई थी ना अपने आप है ना। और दोस्तों कितने बजे आई थी? 2:30 बजे। हाँ, 2 से 2:30 बजे करीब आई थी कबूतरी, जब बाजबेरी का अटैक हुआ था शायद, तब उसके बाद ये कबूतर तितर बितर हुए थे, जिसमें एक आज सुबह आया और एक नर, और भाई ने कल शाम को ही फ़ोन लगा दिया था। आपने लगाया था? आपने लगाया? मैंने लगाया, दोनों ने लगाया था है ना। और बड़े अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं हमसे, तो हमें गुस्सा आ गया क्योंकि सुबह 4 बजे के जगे हुए थे हम, और शाम को इनका फोन आया, ये कह रहा आपका ये हुआ है आपका, मैं कहा मतलब की बात करो। तो दोस्तों ये देखिए, तो आपसे कबूतरी वापस देने का किसने कहा? आपने कहा? हाँ। तो क्यों कहा ये बताइए। क्योंकि वो अपना कबूतर भी नहीं था जी, और आपकी अमानत थी जी, जिसकी अमानत है उसको दे देना चाहिए जी। जबकि दोस्तों इनके पास भी कबूतर हैं और चाहते तो ये रख लेते, लेकिन बैंड डालने का नतीजा एक ही होता है, जिनके जो बेस लाइन होती है, जैसे इनके मम्मी पापा हैं, जो इनको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उस हिसाब से इन्होंने काम करा, इतने से बच्चे इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे, जो बड़े से बड़े उम्र से नहीं होता ये, मतलब ये इतने से बच्चे जो काम कर रहे हैं, इससे आपको और हमको सीख लेना चाहिए कि जिसका भी कबूतर हो उसको वापस लुटाया जाए, और कम से कम जो उड़ाने चल रही हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, बाग काले हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा काला हो रहा हूँ, पसीना हो रहा है और आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर शक्ल कुछ नज़र अलग आएगी, लेकिन इन नन्हे दोस्तों ने आज वाकई जो स्टार्ट करा था एक मेहनत की, जो भी कबूतर आए जिसका आए उसे आप दे दें, चाहे फ्री में दें, चाहे पैसे में दें, चाहे कैसे भी करके दें, लेकिन दे दें ताकि उसकी उड़ान ख़राब ना हो। और क्योंकि उड़ता हुआ कबूतर जब जाता है, और अच्छा उड़ता हुआ कबूतर जब जाता है, तो उसकी उड़ान ख़राब हो जाती है जब एक कबूतर जाता है, उस जो कबूतर बेस्ट उड़ रहा होता है उसके मुकाबले दूसरा कबूतर खड़ा करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और टूर्नामेंट में जब टाइम नहीं होता। तो बेटे कबूतर उड़ाते हो आप? हाँ, उड़ाते हो? वो बेड़े आते हैं बस, बेड़े आते हैं। कौन सी टंकी? पीछे। अच्छा, पीछे एक टंकी। तो ठीक है दोस्तों, जब भी कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के कबूतर भी अच्छे बनवाए जाएँ, और बनवाएंगे, कोशिश करेंगे। अंकित, विशाल और राजा, ये तीनों को आप देख लीजिए, कितने मासूम मासूम से चेहरे हैं। तीनों भाई हो आपस में? नहीं, दोस्त? दोस्त। अच्छा, दोस्त हैं सबके साथ? हाँ। ये तीनों दोस्त हैं, मतलब एक ही मोहल्ला है, भाई जैसे ही हैं, जो दोस्त होते हैं बचपन के वो भाई जैसे ही होते हैं। तो दोस्तों आप भी ये करिएगा कि जब भी कुछ आए तो आप ज़रूर अपने कबूतरों, जो भी कबूतर आए जिसका हो अमानत, वो वापस करी जाए। तो यहाँ पे कास्टिंग कबूतर आई थी, कास्टिंग कबूतर दिखा दीजिए। तो दोस्तों ये हिपो में से निकली भी कास्टिंग कबूतरी है, पर बन गए, पर बने हुए हैं जो भाई ने रख रखे थे। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पर नहीं काटे इसके, क्योंकि अभी उड़ान में वापस काम आ जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता पर काट देते आप, तो मैं कहता कि नहीं इसको आप ही रखो, आप ब्रीडिंग करो इसकी। नहीं, पर नहीं काटते। जी जी, तो ये देखिए दोस्तों, और कमेंट में दोनों दोस्तों के लिए, तीनों दोस्तों के लिए, राजा चलेगा, उसकी मम्मी बुला रही थी, तो ये दोनों दोस्तों के लिए और दोनों भाइयों के लिए आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और दोनों भाइयों का शुक्रिया, राजा भाई चलेगा नहीं तो उनका पर्सनली और करता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों ऐसे ही काम आप करते रहना, जो भी कबूतर आए बताते रहिए, सबको देते रहिए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे कबूतर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।